Hey guys, this is a another video, and this is the first video of microscopy. In this video, we will read about the basic concept of microscope, and this video is beneficial for all the CSIR, BARC, GATE, DBT, ICR, ICMR, MSc, and BSc students. This is the wonderful diagram of microscope, and microscope is made up of basic mirror, condenser lens, objective lens, and ऑकुलर लेंस मिरर, मिरर क्या है मिरर मिरर और लाइट सोर्स मतलब जो लाइट को कैरी करता है बेसिक प्रिंसिपल माइक्रोस्कोप का क्या होता है कि जो मिरर और लाइट स्कोप दोनों ही लाइट को फोकस करता है हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर सॉरी कंडेंसर लेंस के ऊपर अब हमारा जो कंडेंसर लेंस होता है वो कंडेंस करता है लाइट को और वो फॉल करता है ऑब्जेक्ट स्टेज के ऊपर स्टेज पर हमारे स्पेसीमैन है उस स्पेसिमेन के ऊपर हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है ऑब्जेक्टिव लेंस टेन एक्स फिफ्टी एक्स फोर्टी एक्स फोर्टी फाइव एक्स सिक्सटी एक्स और हंड्रेड एक्स इस टाइप के हम ऑब्जेक्टिव लेंस को देखते हैं अब ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है वो हमारी इमेज बनाता है जो इमेज हम ऑकुलर लेंस या आई पी से देखते हैं ये एक बेसिक प्रिंसिपल था माइक्रोस्कोप का सो so, माइक्रोस्कोप कितने टाइप के, के होते हैं माइक्रोस्कोप तीन टाइप के होते हैं फर्स्ट ऑप्टिकल या लाइट माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और थर्ड होता है स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप फाइव टाइप्स के होते हैं ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप कॉनफोकल माइक्रोस्कोप फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप और फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप का क्या मतलब है कि ब्राइट फील्ड मतलब एक ऐसा माइक्रोस्कोप जिसके अंदर जो मेरा फील्ड होगा जहाँ इमेज बनेगी और इमेज बनेगी उसका जो फील्ड होगा वो ब्राइट होगा डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप क्या होगा कि एक ऐसा माइक्रोस्कोप जिसके अंदर इमेज बनेगी जिसका फील्ड जो होगा वो डार्क होगा कौन फोकल माइक्रोस्कोप मतलब जो मेरे फोकस करेगा इमेज को फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप क्या होगा जो आउट ऑफ द फेज या फिर इन द फेज दो रेज जा रही हैं एक रे आउट ऑफ द प्लेन है या एक रे इन द प्लेन है उन दोनों रेज को मिला के वो एक फेज मतलब चेंजिंग द फेज कंडीशन के अंदर वो एक इमेज बनाएगा नेक्स्ट आता है फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी जो फ्लोरोसेंस करके माइक्रोस्कोप इमेज बनाएगा नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी मतलब कि सैम और टैम जिसके अंदर जो लाइट का सोर्स होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी नेक्स्ट स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप जिसमें ए आता है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी ये सब माइक्रोस्कोपी के पार्ट हैं और हम ये एक, -एक वीडियो एक एक टॉपिक हर वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल डग्राम ऑफ़ ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में हमें कुछ ऐसी इमेज दिखती है जिसके अंदर जो हमारा बैकग्राउंड होता है वो ब्राइट हो ये एक बेसिक कंसेप्ट है जो हमें अपने स्टडीज़ को कंप्लीट इनिशिएट करने से पहले हमें ये कुछ पॉइंट्स देखने पड़ते हैं रिजॉल्विंग पावर क्या होती है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या होती है या फिर हमारा एंगुलर अपर्चर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ ये सब चीज़ें जो है हमारे रिजोल्यूशन फैक्टर के ऊपर क्या ही इफ़ेक्ट करती हैं तो रिजोल्विंग पावर क्या है कि मतलब कि कोई भी दो पॉइंट्स हैं जो अलग अलग हैं मैं उन पॉइंट्स को कितना रिजोल्व करके देख पा रही हूँ मैं उनको कितना क्लियरली देख पा रही हूँ अगर वो पॉइंट का डिस्टेंस कितना है वो हमारी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होगी अब रिजो रिजोल्विंग पावर जो है वो डिपेंड करते हैं कुछ फैक्टर्स के ऊपर जैसे कि हमारा वेवलेंथ लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एंगुलर अपर्चर अब लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का जो फॉर्मूला है वो पॉइंट सिक्स वन लैमडा अपॉन रिफ्लैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन अल्फा मतलब कि जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है वो डायरेक्टली प्रपोर्शन है वेव के ऊपर लेकिन वो इनडायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिफ्लैक्टिव इंडेक्स इन साइन एंगुलर अपर्चर के ऊपर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इनटू साइन अल्फा इज नॉन एज न्यूमेरिकल अपर्चर मतलब कि लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का फॉर्मूला जो हो गया वो पॉइंट सिक्स वन लैमडा अपॉन न्यूमेरिकल अपर्चर जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होता है वो हमारा रिज़ोल्विंग पावर के डायरे इनवर्स प्रपोर्शन होता है मतलब मुझे रिजोल्विंग पावर किसी भी चीज़ की ज़्यादा होने के लिए मुझे किसी भी चीज़ को क्लियरली देखने के लिए रिजोलविंग पावर उस चीज़ की ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन जो रिज़ोलविंग पावर है वो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन के इनवर्स प्रोपोर्शन है ठीक है तो मतलब मेरा लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन जो है वो कम होनी चाहिए लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम तभी होगी जब हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर ज़्यादा होगा मतलब कि मेरा एंगुलर अपर्चर या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा मतलब कि वेवलेंथ कम होगी तो जो रिजोल्विंग पावर है वो किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड थी वेवलेंथ लाइट की मतलब कि वेवलेंथ अगर कम होगी तो रिजोल्विंग पावर उस ऑब्जेक्ट की या उस इमेज की ज़्यादा होगी अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम होगा लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम होने से मेरी जो रिजॉल्विंग पावर है माइक्रोस्कोप की रिजोल्विंग पावर है वो ज़्यादा होगी एंगुलर अपर्चर एंगुलर अपर्चर ज़्यादा होने से लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम होगा और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम होने से जो रिजॉल्विंग पावर होगी वो ज़्यादा होगी आई होप ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा और यही पॉइंट ये बेसिक प्रिंसिपल हमारे हर माइक्रोस्कोपी के अंदर यूज होता है आई होप दिस वीडियो इज बेनिफिशियल टू यू पीपल्स प्लीज लाइक द चैनल एंड प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल more videos thank you so much